प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत सरकार ने फैसला लिया है कि मदरसों को बंद कर दिया जाएगा, उनकी जगह बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी नाजिया अली खान जी का। तो आप जानेंगे इसमें भारत की दबंग वकील नाजिया अली खान जी की पर्सनल राय। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक व्यक्ति, एक मुसलमान परिवार या एक हिंदू परिवार या एक सिख परिवार या एक जैन परिवार क्या चाहता है कि हम और हमारे बच्चे और हमारा परिवार खुशी खुशी अपने संसार में रहे, यही चाहता है ना? बिल्कुल यही चाहता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें जिसको मिसगाइड करने के लिए बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। देखो शैला, मैं प्रैक्टिकली हजारों लाखों मुसलमान बेटियों के साथ मिलती हूँ एंड दे आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड विद दिस इडियोटिक रिचुअल्स। कई बेटियां तो ऐसी होती है जो बोलती है कि अब्बा जो है ना वो मेरे लिए शौहर नहीं, अपने लिए दोस्त ढूंढे हैं, इतना उम्र दराज होता है। तो तुम जो मुसलमान मदरसे के लिए लड़ रहे हैं, क्यों वो मुसलमान ये नहीं कह रहे हैं कि हम दीनी तालीम भी पढ़ाएंगे और साथ साथ हम दुनियावी तालीम भी पढ़ाएंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री कोई ऐसा सिस्टम निकालिए कि हमारे हमारे स्कूल में हम एडुकेशन अकेडमिक क्वालिफिकेशन भी दे और हम दीनी तालीम भी पढ़ाए। अब देखिए, ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बातें की और आज आपका मूड भी बड़ा अच्छा है। मतलब वो एक समझाने के अंदाज से आप बैठ के बात भी करिए कि इसमें बुरा कुछ नहीं है। और मेरे जो क्वेश्चन है वो ऐसे हैं जो कि शायद बहुत से लोगों के आपने सुने भी होंगे, एक नॉर्मल चीज है। यहाँ पर बात बेरोजगारी की भी है। अगर जैसे कोर्ट का फैसला है कि मदरसा बैन हो जाए, तो अगर मैं उत्तर प्रदेश का ही फिगर निकालूँ तो 10,000 तो मौलाना जो पढ़ाते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, 10,00,000 जो स्टूडेंट वहां पर पढ़ रहे हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए, जिन्होंने किरात पढ़ी है, जिन्होंने जो है हदीस पढ़ी है, तफसीर पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, उन वो भी कहीं ना कहीं पर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो क्या इसके लिए प्लान सरकार ने कोई तैयार किया कि इन उस्ताजा का क्या करना है? क्योंकि ये तो मॉडर्न, ना ये साइंस पढ़ा सकते हैं, ना ये फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, ना ये मैथ्स पढ़ा सकते हैं, ना इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। ये पढ़ा सकते हैं तो कुरान पढ़ा सकते हैं, अरबिक पढ़ा सकते हैं, कुरान के ट्रांसलेशन पढ़, क्योंकि इनका सब्जेक्ट नहीं है ना। अब ये जो 10,000 हैं, ये 10,000 खानदानों पे भी इसका इफेक्ट होगा, तो इस पे आपसे जरा डिस्कस करना चाहूंगी कि ये क्या होगा। देखिए शैला, आपने कहा कि जो मौलवी हैं वो तो सिर्फ अरबी पढ़ा सकते हैं, पर मुश्किल इस बात की है कि वो मौलवी तो अरबी सिर्फ रटा सकते हैं, पढ़ा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत में या आपके पाकिस्तान में मौलवियों को तो अरबी समझ में भी नहीं आती है। अगर समझ में आती होती तो वो हलवा लिखी हुई लड़की को मारता पीटता थोड़े ही, नाक थोड़े ही रगड़वाता, वो तो समझ जाता कि वो जो लिखा हुआ है उसका मतलब खूबसूरत होता है, उस अरबिक का अर्थ जो है वो खूबसूरत निकलता है। तो इन जितने भी लुंगी छाप वाले मौलाना है जिन्होंने जानबूझ करके अपनी कमाई का जरिया हमारे मुसलमान बच्चों के मुस्तकबिल को खराब करने के लिए बनाकर के रखा है, ठीक है, तो इनको ये आप जो भी करे भाई, ये मजदूर बन जाए, ये पत्थर तोड़े, ये मोट उठाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उनके मुस्तकबिल का पूरा ख्याल रखा गया है, उनके फ्यूचर का पूरा ख्याल रखा गया है, जिसका मैं रेफरेंस आपको दे देती हूँ कि अभी एक महीना पहले आसाम में 1288 मदरसे तोड़े गए और उसको मिडिल स्कूल बनाया गया, और वो तमाम बच्चे ही उसमें पढ़ेंगे जो पहले मदरसे में पढ़ रहे थे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होगा, उन बच्चों के हाथ में ज्योग्राफी की किताब होगी, उन बच्चों के हाथ में हिस्ट्री की किताब होगी, उन बच्चों के हाथ में इंग्लिश की किताब होगी, उन बच्चों के हाथ में साइंस की किताब होगी। अब वो बच्चे या तो साइंटिस्ट बनेंगे, या तो लॉयर बनेंगे, या तो इंजीनियर बनेंगे, या तो डॉक्टर बनेंगे, या तो ओवरसियर बनेंगे, या तो जज बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे। अब आप सोचिए कि एक मौलवी इमाम बन करके क्या जिंदगी चलाई जा सकती है, क्या जिंदगी हो सकती है? और ये कौन सा कार्टून जैसा एक भेस मुसलमान एक लेकर के चल रहा है, उटंगा पैजामा, लंबा कुर्ता, जालीदार टोपी और चेहरे पर अजीब सी दाढ़ी, क्यों कार्टून बन रहे हो? रिफॉर्मेशन तो इस्लाम में भी आया ना, और उस रिफॉर्मेशन को हमेशा
एक सेंचुरी के बाद हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है, हमेशा एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है। लेकिन लिबास पे मैं तो नहीं जाऊं, क्योंकि हर बंदे की एक अपनी मर्जी है। देखिए, मुसलमान अगर दाढ़ी रखता है तो वो सुन्नत के मुताबिक रखता है, कपड़े पहनता है तो वो सुन्नत के मुताबिक। खैर, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जो जैसा है उसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी तो कहूंगी ना कि अगर जो मुसलमानों को जिस तरह से एकदम से भारत के अंदर रिफॉर्म किया जा रहा है, इसका बैकलैश जरूर आएगा। ये मैं बता रही हूँ, शायद पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, इंडिया के मुसलमानों की तरफ से आए, क्योंकि वो पहले से ये चीज सेट है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता ही है। आप सीए पर छाती पीटते हैं, लेकिन आप अफगानियों को 40 साल से आपने सिटीजन नहीं दे करके रखा है। आप अमेरिका से उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए ना जाने कितने अरबों और मिलियन रुपया ले लिए, लेकिन पकड़वाए नहीं। वो फिर बाद में अमेरिका को खुद ही पकड़ना पड़ा। आप तो झांसा दे करके पैसा हमें काटने का नहीं था ना, उसामा बिन लादेन हमारे पास है, हमें तो नहीं पता था। ये सब कुछ मेरे सामने नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे पास सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं। गांधी से करोड़ों रुपए जिन्ना ने आजादी के वक्त ब्लैकमेल करके मांगा था, और भारत को फाइनेंशियली जिन्ना ने वीक करने की कोशिश की थी, उसकी माफी मांगनी पड़ेगी। तो कितनी माफिया आप लोग मांगेंगे, कितनी माफिया मांगेंगे? और क्यों बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना होते हैं आप लोग, मुझे तो यही नहीं समझ में आता, मेरे तो पल्ले यही नहीं पड़ता। अब आती है बात, मैं आपको दूसरा टॉपिक बता देती हूँ। अब आती है बात कि देखिए, ये देश संवैधानिक है और आर्टिकल 14, 21, 20, 21A, ये जो हमारा जो संविधान का आर्टिकल है, इसके अलावा एज वेल सेक्शन 22 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट ऑफ 1956, मैं आपके लिए इसलिए पूरा वहां का इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट ही लेकर बैठ गई हूँ, ताकि लोग टिप्पणियां ना करें। मुसलमान मर्दों को खुदकने की बहुत आदत होती है। तो ये देश संविधान से चलेगा, ये देश शरिया से नहीं चलेगा, ये देश जिन्ना के भी शरिया से नहीं चलेगा, ये देश अल कुरान से भी नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। इस देश के अंदर किसी को भी पाबंदी नहीं है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप रोजा नहीं रख सकते, लेकिन आप जाकर के कूड़े करकट में मुसल्ला बिछाइएगा, जानमाज बिछाइएगा, तो आपको तो कोई भी मना करेगा ना, भैया ये रोड गंदा है, यहाँ पर लोग थूकते हैं, हकते हैं, मुतते हैं, यहाँ पर मत पढ़ो नमाज। तो ये तो अच्छी बात है, और अरब भी तो मना कर रहा है। दूसरा, मुसलमान मर्दों के मुंह में एक औजार रहता है, जैसे ही किसी शिक्षित लड़की को, बहुत वोकल लड़की को, बहुत रिनाउंड और फेमस लड़की को मुसलमान मर्द देखते हैं, तुरंत अपने जुबान के औजार से उसको गाली गलौज, उसको गंदी गंदी अभद्र बातें बोलना स्टार्ट करते हैं, ताकि वो डर जाए, ताकि वो उस ट्रोल से डर करके वो बैकफुट हो जाए। तो ये दो औजार मैंने आपको बताया, एक पैंट के जिप में होता है, एक मुंह में जुबान होती है, और तीसरा औजार वो निकालते हैं जो वाकई में औजार होता है, बंदूक होता है, बम होता है, चापड़ होता है। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। साजिद और जावेद ने एक 6 साल का बच्चा था और एक 11 साल का बच्चा था, उसकी बोटियां कर डाली, वो भी दारू पी करके। अब आप बताइए रमजान में दारू क्या कर रहा था साजिद और जावेद के पास, और वो दारू पिया ही क्यों था रमजान में? गला रेता जिहाद के नाम पर काफिर को मार करके जन्नत का दरवाजा खुलवाया, जब 72 वर्जिन हूरे ढूंढ रहा था, लेकिन दारू क्यों पिया? इस पर मुझे जुबैर कुछ बोलकर दे दे, इस पर मुझे असदुद्दीन अवैसी कुछ जवाब दे दे, इस पर मुझे मदनी कुछ जवाब दे दे, इस पर मुझे पाकिस्तान की मीडिया कुछ जवाब दे दे कि साजिद और जावेद दारू क्यों पी रहा था रमजान में। क्योंकि आप तो जस्टिफाई कर देंगे ना कि काफिर का गला रहता है, क्योंकि ये तो हमारे इस्लाम ने सिखाया, ये पाकिस्तान आराम से जस्टिफाई कर देगा, लेकिन इस मुबारक महीने में रमजान में दारू क्यों पिया, इसका जस्टिफिकेशन कुछ है क्या पाकिस्तान के पास, या अवेसी के पास, या जुबैर के पास? नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा जो होती है, और ये जो डिसीजन लिया गया है कि मदरसा को बंद करवा करके स्कूल को खुलवाया जाए, शाना आप पढ़ी लिखी हैं, इतने बड़े इस्लामिक देश में आप रहती हैं, आप कहीं ना कहीं बैलेंस तो हुई है। देखिए शाला, मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसे जैसे मुसलमान शिक्षित होंगे, वैसे वैसे उनके दिमाग से आतंक जो है, वायलेंस जो है, वो बाहर निकलेगा। आज मैं शिक्षित हूँ, आप शिक्षित हैं, तो हम बहुत बैलेंस बात करते हैं, हम संवैधानिक बातें करते हैं, हम एडुकेटेड बातें करते हैं, हम मॉडर्न ईरा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत खूबसूरत निर्णय है, और एक शुरुआत की गई है, फर्स्ट स्टेप लिया गया है, एक राज्य के
एक डिस्ट्रिक्ट से स्टेप लिया गया है और अचानक से पूरे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पूरे देश में नहीं किया गया है, एक एक डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया जा रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम रिफॉर्मेशन लेकर के आएंगे। और मैं पर्सनली चाहती हूँ कि भारत का हर एक मुसलमान बच्चा वो इंजीनियर डॉक्टर बने, जज बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, ये मैं पर्सनली चाहती हूँ। वो अपने अपने आप को बड़े चेयर पर देखे। आज मैं शिक्षित हूँ, मैं कोर्ट जाती हूँ ना, कोई मुझे तो नहीं रोक सकता है। आप शिक्षित है, आप एक एंकर बन करके बैठी है ना, कोई तो आपको नहीं रोक पा रहा है। तो उसी तरीके से हाथ में चापड़, छुरी और ये फोन का जिप खोल करके बलात्कार करना, गला काटना कब तक करते रहेंगे? और जितने भी टीचर्स, तो देश का काम और देश की सरकार का काम मुल्ला बनाना तो नहीं है ना, खारी बनाना तो नहीं है ना, इमाम बनाना तो नहीं है ना। आखिर सऊदी अरबिया ने भी तो भारत और पाकिस्तान को फंड देना बंद कर दिया ना, कर दिया ना, कहा ना कि और मदरसा खोलवाने के लिए हम पैसे नहीं देंगे। तो जब सऊदी अरबिया बंद कर सकता है तो हम भी रिफॉर्मेशन के लिए कुछ स्टेप्स तो ले ही सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे नाजिया खान जी ने इस मदरसा बैन को लेके पाकिस्तान से लेके भारत में रह रहे मजहब के ठेकेदारों को उधेड़ के रख दिया। और नाजिया खान जी ने एक बात बिल्कुल सही कही, भारत देश जो है वो संविधान और कानून से चलेगा, ना कि शरिया या फिर इस्लामिक कानून से। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।